Assalamualaikum dear students, hope you are fit and fine, you are doing well. This is our lecture number 5 from the chapter carbon and its compounds. In today's session we are going to discuss one more important topic from the same chapter. The topic is hydrocarbons and their types. So myself Shakil Ahmad, once again welcome all of you to the batch UKAB 1.0 which is completely free. चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं. सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे नजर डालते हैं. पहले क्या कहा जाता था रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. 1815 में एक साइंटिस्ट आया था, ही वॉज ए स्वीडिश केमिस्ट, उसका नाम था जे जे बर्जीलियस. ये क्या बता रहा है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म होता है. फिर ये बता रहा है कि क्योंकि ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, और ये ऑर्गेनिज्म आपका ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. एज द वर्ड ऑर्गेनिक इट पर्टेन्स टू लाइफ, वो जिनके अंदर लाइफ होती है उनके अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जे जे बर्जीलियस इन 1815 में बता रहा है कि वो कंपाउंड्स जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म होता है. जैसे कि मैं आपको एक कंपाउंड की यहां पे एग्जांपल बताऊंगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड जिसको हम बोलते हैं. इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं. इसका जो सोर्स वो है रेड एंट्स. Red ants, they are called as formica, F-O-R-M-I-C-A, formica. तो इसका जो सोर्स है वो है रेड एंट. तो इस वजह से इस कंपाउंड को क्या कहा गया, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये बता रहा है वो कंपाउंड जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा मिस्टीरियस फोर्स होता है, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो और किसी में नहीं पाया जाता है. दैट मिस्टीरियस फोर्स इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स. और जिस थ्योरी में ये सारा कहा जा रहा है उस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं. सो वाइटल फोर्स थ्योरी, इट वॉज गिवन इन 1815 बाई जे जे बर्जीलियस, जिसमें यह कहा जा रहा है वो कंपाउंड्स जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म, जो कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. अब ऑर्गेनिज्म से ही क्यों ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिस फोर्स को हम वाइटल फोर्स कहते हैं. उसी वाइटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंपाउंड्स बनते हैं, इनकी सिंथिसाइज होते हैं. उस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं. फिर ये जो बिलीव था ये लगभग 1826 तक रहा. 1826 में एक और साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम है, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, उसका नाम है फ्रेडरिच वोहलर. फ्रेडरिच वोहलर ने यह बताया कि ना, ये जो इसने डेफिनेशन दिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने एक कंपाउंड को प्रिपेयर किया लेबोरेटरी के अंदर विदाउट द यूज ऑफ दिस फोर्स, वाइटल फोर्स. असल में इसने कोई और कंपाउंड बनाना था, तो एक्सीडेंटली इसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको मिला वहां पे. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यूरिया कहते हैं. तो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इसने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब उसने उनको आपस में मिलाया तो उसको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था. तो आफ्टर द डिस्कार्ड ऑफ दिस वाइटल फोर्स थ्योरी, 1826 में एक और साइंटिस्ट आ गया, जर्मन केमिस्ट आ गया, जिसका नाम है फ्रेडरिच वोहलर. तो फ्रेडरिच वोहलर ने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय रिएक्टिंग टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज NH4 होल ट्वाइस SO4, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम साइनेट. इस कंपाउंड को हम अमोनियम सल्फेट कहते हैं. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट. इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ये दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा रहा है, और वो जो दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है KCNO, दिस इज कॉल्ड एज पोटाशियम साइनेट, पोटाशियम साइनेट. जब इन दो को आपस में मिलाया गया साइनेट, तो यहां पे एक कंपाउंड बन गया, उस कंपाउंड का नाम है NH4CNO. इस कंपाउंड को हम अमोनियम साइनेट कहते हैं. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अमोनियम साइनेट. साथ में यहां पे निकला था K2SO4 विच इज कॉल्ड एज पोटाशियम सल्फेट. फिर वो इस कंपाउंड को क्या कर रहा है, NH4CNO को वो हीट दे रहा है,
जब वो इसको हीट दे रहा है तो यहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है। जब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा तो यहां पे एक कंपाउंड बन रहा है, उसकी फॉर्मूला या उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाते हैं, इट इज NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे हम NH2 लिखते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज यूरिया, दिस यूरिया इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जब वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हुई उसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गया फ्रेडरिच वोलर, 1826 में बता रहा है कि वो कंपाउंड्स जो जो इसने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, इसने इस कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, यूरिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, आप बताइए यहां पे किसी वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ी? नो। तो ये यहां पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना रहा है विदाउट दिस फोर्स कॉल्ड एज वाइटल फोर्स। तो ऐसे जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इट वॉज डिस्कार्डेड। फिर इसके बाद जो डेफिनेशन दी गई आफ्टर द डिस्कार्ड ऑफ दिस वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके बाद ये कहा गया जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसके बाद की डेफिनेशन है जब वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हुई। फिर उसके बाद नई डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दी गई, ये कहा गया वो कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो हम उन कंपाउंड्स को भी क्या कहने चाहिए, फिर उन कंपाउंड्स को हम क्या कहने चाहिए, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, वो है कंपाउंड कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे पास एक और कंपाउंड है सी ओ टू कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास एक और कंपाउंड है एन ए टू सी ओ थ्री कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट। हमारे पास एक और कंपाउंड है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये सारे कंपाउंड्स इस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक, उस डेफिनेशन के हिसाब से हम इन कंपाउंड्स को भी क्या कहने चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट दीज कंपाउंड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दीज कंपाउंड्स दे लैक द बेसिक प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। तो ये वाली डेफिनेशन भी डिस्कार्ड हो गई, पहले ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर उसके बाद ये कहा गया वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मगर उसके बाद हमने कुछ कंपाउंड्स को ऐसे देखा जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट है बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच नहीं होती है, वो नहीं मिल रही है, दैट इज व्हाई दीज कंपाउंड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पे नहीं आ गए। अब इसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी आ गई जो हमें एक्सप्लेन करके दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने ये जरूर जानना है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले इस टर्म को समझना है, उसके बाद हम आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें तब समझ आएगा जब हमें पता होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नाम को देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स आपको नजर आते हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। तो नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इसकी डेफिनेशन यहां पे देखिए, द कंपाउंड इज कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली द कंपाउंड आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। मैं एक एग्जांपल आपको यहां पे बताऊंगा, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, यहां से हम H दिखाएंगे हाइड्रोजन, यहां से हम एक और हाइड्रोजन दिखाएंगे, यहां से हम एक और हाइड्रोजन दिखाएंगे, यहां से हम एक और हाइड्रोजन दिखाएंगे। बात को समझिएगा, आपके पास ये कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है? नो, ये कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड दिस हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज मीथेन। इस कंपाउंड को जो हम नाम देते हैं वो हम मीथेन लिखते हैं। So methane is considered as hydrocarbon. Why? Because the compound contains only two types of atoms. One carbon और दूसरा hydrogen. अब अगर इसके बाद में एक और example आपको बताऊंगा, हमारे पास एक और compound है, we have a compound like this CH3.
सिंगल बॉन्ड यहां पे हम लिखेंगे CH3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेन। आप मिथेन की बात करो, आप इथेन की बात करो, आप इस कंपाउंड की बात करो CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसकी बात करो, आप इस एक और कंपाउंड की बात करो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपके पास तीन चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड से, यू हैव अ कंपाउंड जिसका नाम हमने या जिसका नंबर हमने 1 दिया, ये आपके पास दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम इथेन है, ये आपके पास तीसरा कंपाउंड है जिसका नाम इथीन है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथीन। ये आपके पास चौथा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है इथाइन। ये आपके पास चार कंपाउंड थे, मिथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। अब सारे कंपाउंड्स में देखिए कौन कौन सा एटम इनके अंदर प्रेजेंट है, इनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। अभी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बताए, मैंने उसी पे आना है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तब समझ आएगा जब हमें पता होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। मैंने बताया हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसी कंपाउंड से मैं यहां पे इसको इरेज करता हूं, मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा। हम इस कंपाउंड से बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ये कंपाउंड आपका जिसको हम मिथेन कहते हैं, हम इस हाइड्रोकार्बन से दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे? मैं यहां पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, मैंने यहां पे हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन के बदले मैंने यहां पे Cl लगाया, नया कंपाउंड बन गया। अभी इससे पहले हाइड्रोकार्बन था, लेकिन अब आप हाइड्रोकार्बन से दूसरा ये एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन से आप दूसरा कंपाउंड बना रहे हो। कैसे? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय एनी अदर एटम। क्या हम इसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे कि इसको हम डेराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डेराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर हो रही है? दिस इज कॉल्ड एज डेराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक पहले आपने हाइड्रोकार्बन को जानना है, फिर उसके बाद आपने डेराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है। तो हाइड्रोकार्बन आपने देखे जिनके अंदर खाली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब डेराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हम हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे नया कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनाया, मिथेन से बनाया, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरोमिथेन। मैं एक और कंपाउंड यहां पे बनाऊंगा CH3, यहां पे मैं लिखूंगा CH2, यहां तक हाइड्रोकार्बन है। अब यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं, मैं यहां पे इसमें नया जो ग्रुप वो डाल रहा हूं, तो जो कंपाउंड बना वो किससे बना? वो हाइड्रोकार्बन से ही बना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डेराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं बाय रिप्लेसिंग, कभी एक हाइड्रोजन, कभी दो हाइड्रोजन, कभी तीन हाइड्रोजन, उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय एनी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज डेराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन पे। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, या हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि द कंपाउंड्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेराइवेटिव्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या जो डेराइवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन किनकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? फिर से बता रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं, यहां पे हम लिखेंगे द कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर इधर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, यहां पे हमारे पास CH4 है, इसको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहूंगा क्योंकि इट्स अ हाइड्रोकार्बन। मैं यहां पे लिखूंगा C2H6, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा C2H4, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इजंट इट? तो दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इनके डेराइवेटिव्स एंड देयर डेराइवेटिव्स, एंड देयर डेराइवेटिव्स बेटा, या हाइड्रोकार्बन्स या इनके डेराइवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स के डेराइवेटिव। जैसे मैंने अभी यहां पे दिखाया, यहां पे अगर हम इससे एक और कंपाउंड बनाएंगे CH3Cl, इससे हम कोई नया कंपाउंड बनाएंगे C2H5Cl। सो दीज आर कॉल्ड एज डेराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर डेराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिस ब्रांच में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं या उनके डेराइवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है हमारी इस केमिस्ट्री में आगे जाके आपने तीन ब्रांचेस पढ़ने हैं, आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। हम ऑर्गेनिक को फिजिकल से क्यों अलग पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे, इनका जो नंबर वो बहुत ज्यादा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत कम है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम नहीं देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक टाइप का बॉन्ड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक दूसरा टाइप का बॉन्ड होता है। उनकी केमिकल फार्मूला एक होती है, इनकी केमिकल फार्मूला वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं या इनके डेराइवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेराइवेटिव्स, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अब आपको पता चला कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास दो टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, पहले टाइप को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और दूसरे टाइप को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमारे हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू टू मेजर ग्रुप्स। ये इसमें पहला टाइप है जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और जो इसमें दूसरा टाइप है दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ व्हाट आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब दो एटम्स के बीच में, दो सेम दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर होता है उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां पे खाली आपको सिंगल बॉन्ड्स नजर आएंगे, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और याद रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स। इनका नाम, ये असल में एक फैमिली है अल्केन्स, यहां पे जो मैंने लिखा है अल्कीन्स अल्कीन्स सॉरी अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, इट इज अल्काइन्स। ये तीन फैमिलीज है हाइड्रोकार्बन्स के, इनको हमने एक एक करके पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कितने टाइप से हाइड्रोकार्बन्स के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद वो हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सो दो लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा इसमें पाई बॉन्ड होता है। जब दो हाइड्रोकार्बन्स, जब आपके पास कोई कंपाउंड होगा हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड होगा जिसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, देन दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। अब अगर दो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसे हम दिखाएंगे यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे हम ऐसे दिखाएंगे। तो दो कार्बन एटम्स के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होते हैं उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में आपके दो पाई बॉन्ड्स होते हैं
और एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो वो हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नाउ अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन्स कहते हैं, और अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा देन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज अल्काइन। तो ये हो गए इसके दो टाइप्स जो अब हमने एक एक करके एक्सप्लेन करने। सबसे पहले हम यहां पे आपको बताएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए सबसे पहले इसी पे नजर डालते हैं, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी आपने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं, पहले तो इनके अंदर खाली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, फिर यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में खाली कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहां पे आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखोगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। पैराफिन्स ये एक्चुअली ये जो वर्ड पैराफिन है इसको एक्चुअली लेटिन वर्ड से निकाला गया है, इट्स अ लेटिन वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटिन वर्ड्स, पैरम पैरम पी ए आर आर यू एम, पैरम का मतलब होता है लेस और एफिन का मतलब होता है लेटिन में रिएक्टिव। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच आर लेस रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। और जो यहां पे आपके हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स, आवर अल्केन्स आर दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स एज अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस। ये एक फैमिली है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो इस फैमिली की जो जनरल फार्मूला है, अगर हम यहां पे दिखाएंगे व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, जो इसके अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं उन सारे कंपाउंड्स की एक ही फॉर्मूला से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इनकी वो मैं यहां पे लिखूंगा, डियर जनरल फॉर्मूला इज, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज, यहां पे हम लिखेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स इज, इट इज सी एन एच टू एन प्लस टू। ये फॉर्मूला आप याद रखना है, तो इस फॉर्मूला से आप डिफरेंट जो मेंबर्स वो देख सकते हो कि अल्केन्स के अंदर कौन कौन सा मेंबर आता है। So their general formula is CN H2N plus 2. यहां पे हम N का वैल्यू, वायर दिस N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू N तक आप इस N का वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि कार्बन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन की वजह से आप इस N का वैल्यू N तक दे सकते हो। आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में देखा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 80 कार्बन एटम्स 90 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो N का वैल्यू इसका लिमिट हम नहीं रखते हैं, इसका वैल्यू हम N तक देते हैं 1 2 3 4। तो जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स इज सी एन एच टू एन प्लस टू। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स मैंने आपको बताए, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में खाली सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगा, और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वहां पे आपको मल्टीपल बॉन्ड्स भी नजर आते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन कहेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्काइन कहेंगे। अब सबसे पहला हमने यहाँ पे जो पहला टाइप उठाया वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, खाली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मैंने बताया दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स। और अल्केन्स ये हमारे लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। फिर इनकी जो जनरल फार्मूला वो है सी एन एच टू एन प्लस टू, जहां पे हम एन का वैल्यू वन से एन तक देते हैं। अब अगर हम एन का वैल्यू वन से देंगे, मान लेते हैं यहां पे हमने N का वैल्यू 1 दिया, जो इसमें पहला मेंबर आएगा अल्केन फैमिली में, जो पहला मेंबर आएगा उस मेंबर की फॉर्मूला क्या बनेगी और उसका नाम क्या होगा वो मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा। इफ दिस N इज इक्वल टू 1, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा जो पहला कंपाउंड इसमें बनेगा उस कंपाउंड की फॉर्मूला क्या आएगी वो हम यहां पर लिखेंगे सी वन
क्योंकि n के बदले आपने 1 वैल्यू देना है, फिर लिखेंगे h, फिर लिखेंगे फार्मूला का 2, फिर लिखेंगे इनटू यहां पे n का वैल्यू वो 1 आपने दिया, फिर प्लस 2 लिखना है। तो यहां पे फार्मूला बनेगी C1 H2 into 1 आएगा, 2 plus 2 वो आएगा C1H4, जिसको हम शॉर्ट में और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है? नो। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ना कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैंने इस कंपाउंड को नाम देना है, तो नाम देने के लिए सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊंगा। कार्बन एक ही है, यहां पे बनाएंगे कार्बन, इसके ऊपर चार वैलेंसीज प्रेजेंट है, वो मैं एक यहां पे दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है? चार। तो यहां पर हम दिखाएंगे एक हाइड्रोजन, ये इसकी वैलेंसी, यहां पर हम दिखाएंगे एक हाइड्रोजन, ये इसकी वैलेंसी, यहां पे हम दिखाएंगे एक और हाइड्रोजन, ये इसकी वैलेंसी, और यहां से हम इसका एक और हाइड्रोजन दिखाएंगे और ये इस हाइड्रोजन की वैलेंसी है। फिर यहां पे हम ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल यहां पे कंप्लीट करेंगे और इन एटम्स को स्टेबल बनाएंगे। पहले हाइड्रोजन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो एक और इलेक्ट्रॉन बनेगा। यहां पे इसका डुप्लेट हम कंप्लीट करेंगे और यहां पे इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो हाइड्रोजन एटम्स यहां पे स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि इन हाइड्रोजन एटम्स का जो ऑक्टेट या सॉरी जो डुप्लेट वो कंप्लीट हो रहा है। अब रहा इसमें यहां पर एक और एटम, वो कौन है? वो है आपका कार्बन। कार्बन के लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और चार चाहिए। ये किन चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है? ये अपने इन चार इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के इन चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसे शेयर करेगा। दिस इज द शेयरिंग, कैसे यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड्स दिखाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला उसको हम कहते हैं, वो मैं आपको यहां पर ऐसे दिखाऊंगा। ये आपका कार्बन, दिस इज आवर कार्बन, तो कार्बन के इस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे ऊपर दिखाएंगे हाइड्रोजन। यहां से इस साइड से आप देखो, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो एक और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक और सिंगल बॉन्ड बनेगा, नीचे से एक और हाइड्रोजन और यहां से एक और हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन और इसमें चार सिंगल बॉन्ड्स आपको नजर आते हैं, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है लेकिन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड नहीं है, और ऐसे कंपाउंड्स दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। अब मैंने इसका नाम देना है, तो नाम देने के लिए हमने एक अलग टॉपिक पढ़ना है, उसको हम नॉमेनक्लेचर, वो मैं आपको उसी टाइम पढ़ाऊंगा कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि एक नाम के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्ड रूट, दूसरा होता है सफिक्स, जो नाम के बाद हम लगाते हैं। पहला जो नाम वो है वर्ड रूट, उसके बाद नाम के बाद जो हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सफिक्स। ऐसे कंपाउंड्स का भी इन्हीं दो पार्ट्स का या तीन पार्ट्स इसमें आते हैं, उन तीन पार्ट्स का यूज किया जाता है, अलग टॉपिक है उसी में समझाऊंगा। थोड़ा यहां पे मैं आपको बताऊंगा तो इसको याद रखिएगा, अगर कंपाउंड के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट होंगे या एक कार्बन प्रेजेंट होगा वो हम ऐसे दिखाएंगे, तो उसका जो पहला नाम वो मिथ आता है, METH। ये अलग टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूं, अलग पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, इसमें दो तीन चार लेक्चर्स लगेंगे, तो ये मैं आपको उसी टाइम पढ़ाऊंगा। थोड़ा यहाँ पे जो हमारे अल्केन्स में जो मेंबर्स आते हैं उन मेंबर्स का नाम हम कैसे देंगे, थोड़ा थोड़ा याद अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो काफी है। अगर कंपाउंड के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट होगा, याद रखना उसका जो पहला नाम वो आता है मिथ, अगर दो होंगे तो इसका आता है इथ, अगर तीन आएंगे, किसी कंपाउंड के अंदर तीन कार्बन प्रेजेंट है तो आपने उस कंपाउंड का नाम देना है, तो पहला नाम हम उसमें लिखेंगे प्रॉप, PROP। सिमिलरली अगर कंपाउंड के अंदर चार कार्बन होंगे तो इसका जो पहला नाम आता है वो आता है ब्यूट, ऐसे ही अगर C5 तो ये आएगा पेंट, अगर छह कार्बन होंगे कंपाउंड के अंदर तो ये आएगा हेक्स, ये आएगा हेक्स, अगर सात होंगे तो ये आएगा हेप्ट, अगर आठ होंगे तो इसका आएगा ऑक्ट, अगर नौ कार्बन होंगे कंपाउंड के अंदर तो इसका आएगा नॉन, पहला नाम, फिर उसके बाद अगर 10 कार्बन होंगे तो इसका आएगा डेक, अगर 20 होंगे तो इसका आएगा इकॉस, अगर 30 होंगे
तो इसका आएगा ट्राइकॉन्ट। ऐसे ही आप बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हो, मिथ फॉर वन कार्बन, एथ फॉर टू कार्बन। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में आप देख लीजिए, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने, इसमें कार्बन एक ही है, तो नाम देना है। तो पहला नाम इसमें आपने देखना है कि कार्बन अगर एक होगा तो नाम क्या आएगा, पहला नाम हम लिखेंगे मिथ, एम ई टी एच मिथ, ये हम लिखेंगे मिथ। फिर इसके बाद जो दूसरा नाम जो हम स्पीक्स में लिखते हैं वो हम यहाँ पे बॉन्ड देखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में तो पीछे हम ऐड करते हैं एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो पीछे हम ऐड करते हैं ई एन ई, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पीछे हम ऐड करते हैं वाई एन ई। मैंने नॉमन क्लेचर यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉमन क्लेचर हमारा अलग टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे नाम देना है। ये आपके पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड में कार्बन कितने, एक, तो एक का क्या आएगा मिथ, और यहाँ पे आप बॉन्ड देख लीजिए, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे नाम आएगा यानी सफिक्स में नाम आएगा मिथ एन, मिथ एन। इसके बाद अगर यहाँ पे हम एन का वैल्यू टू देंगे, मैं दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना है, इनका स्ट्रक्चर खुद बनाना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अभी हमने n का वैल्यू 1 दिया था, अब अगर हम n का वैल्यू 2 देंगे, इफ n इज इक्वल टू 2 तो फार्मूला क्या आएगी कंपाउंड की, वो हम लिखेंगे C2H2 इंटू एन का वैल्यू 2 प्लस 2, वो आएगा C2H2 इंटू 2 हो गए 4 प्लस 2 हो गए 6, तो कंपाउंड की फार्मूला आएगी 6। ये दूसरा मेंबर है आपके इस अल्केन फैमिली में। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें कार्बन कितने हैं 2। अभी हम किन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसका मतलब इन दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, खाली सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब कार्बन के ऊपर चार वैलेंसीज है, एक तो आपने इस साइड से दिखाया, एक यहाँ से होगी, एक वैलेंसी यहाँ से होगी और एक वैलेंसी यहाँ से होगी। सिमिलरली इस कार्बन पे भी तीन और वैलेंसीज होंगे, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा और एक यहां से होगा। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पे हाइड्रोजन 6 हैं, तो इनको आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जिसको यहां पे ये स्ट्रक्चर बनाना आएगा कि आपने इस इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जिसको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी आएगी उसी को ये समझ आएगा कि अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइन्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। बस इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हर एक एटम की वैलेंसी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इस कंपाउंड के अंदर 6 हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं करना है, आप 6 हाइड्रोजन को एक ही कार्बन पे नहीं दिखाना है, कार्बन की वैलेंसी जितनी है तो कितने उसको और चाहिए उतने ही आपने हाइड्रोजन डालने। यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी वो 4 है, एक तो ही इसके साथ शेयर करेगा, अब कितने बचे, अब बचे 3, तो इसका मतलब इसके साथ 3 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये आपका एक हाइड्रोजन, ये आपका एक और हाइड्रोजन और ये आपका एक और हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर दिस कार्बन एटम, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है जो आपने इस साइड से दिखाया, अब कितने बचे 3, 3 आपने यहाँ पे जो दिखाए इन 3 के साथ 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हम हाइड्रोजन दिखाएंगे। बात क्लियर हो रही है? अब क्या करना है, यहाँ पे अगर किसी ने किसी कार्बन पे 5 कार्बन एटम्स दिखाए, 2 ही कार्बन एटम्स दिखाए, तो स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है हर एक एटम की वैलेंसी वो क्या होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे शेयरिंग दिखाएंगे, अब शेयरिंग यहाँ पे इस हाइड्रोजन को इसके साथ शेयर करेंगे, इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। पहले हाइड्रोजन एटम्स का देखते हैं, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा। जो आपके पास जितने भी हाइड्रोजन एटम इस कंपाउंड के अंदर थे, 6 हाइड्रोजन एटम्स, 6 के 6 हाइड्रोजन एटम अपनी वैलेंसी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनका जो टुप्लेट वो कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे बचे 2 कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और कितने चाहिए, और 4 चाहिए, तो एक ही इसके साथ शेयर करेगा, हो गए 5। अब 3 बचे, 1 2 और 3, ये अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हासिल करेगा, ऐसे, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्टेट वो कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद ये कार्बन, इसके लास्ट सेल में भी 4, 1 2 3 4, और 4 चाहिए, 3 तो हाइड्रोजन के पास है, 1 इस कार्बन के पास है, तो शेयरिंग कैसे होगी, शेयरिंग यहाँ से ऐसे होगी, दिस इज द शेयरिंग जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए। अगर यहाँ पे दिखाएंगे कार्बन,
ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे ऊपर हाइड्रोजन। इस साइड से देखो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, नीचे देखो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में ये यहां पे आप देख लीजिए एक सिंगल बॉन्ड यहां पे बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। तो सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, यहां पे कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, आप चेक कर सकते हो, और यहां पे एक और हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, इसको थोड़ा कंडेंस करेंगे, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हम किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एटम्स एंड द बॉन्ड्स इन्वॉल्वड, देन द फार्मूला इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, इस फार्मूला को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। चलिए इसके बाद इसको थोड़ा कंडेंस करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हम यहां पे लिखेंगे सी। अब इन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड से इनको नहीं दिखाएंगे, इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आपके पास पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 1, 2 एंड 3, मैं यहां पे लिखूंगा CH3। फिर इस बॉन्ड को मैं दिखाऊंगा, कोई इस बॉन्ड को दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, तो यहां पे हम इस बॉन्ड को दिखाएंगे सो देट आपको समझ आए। फिर यहां पे ये कार्बन और कार्बन वाला बॉन्ड हम दिखाएंगे, फिर यहां पे कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 1, 2 एंड 3, तो यहां पे हम लिखेंगे CH3। ये इसका एक और स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेड स्ट्रक्चर, इसको हम कंडेंसेड स्ट्रक्चर कहते हैं, कंडेंसेड स्ट्रक्चर। नाम बताइए, अभी मैंने ट्रिक बताई आपको, इसमें इस कंपाउंड के अंदर कार्बन आप एटम्स देख लीजिए, कितने कार्बन एटम्स है, इसमें दो कार्बन एटम्स है, तो दो का क्या आता है, दो का मैंने बताया इसका इथ आता है। अब फिर उसके बाद आपने देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पीछे हम लिखेंगे ANE, तो कंपाउंड का नाम आएगा इथ एन। क्लियर, शाबाश। इसके बाद अगर अब हम n का वैल्यू, यहां पे हम n का वैल्यू 5 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, ये अब हम खुद करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, बस एक एग्जांपल इसमें अल्केन्स में, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर हम n का वैल्यू, हमारे पास जो फार्मूला थी दैट वाज CnH2n+2, ये हमारे पास फार्मूला थी। अब अगर हम एक काम करेंगे, यहां पे हम n का वैल्यू, इफ n इज इक्वल टू 5, अगर हमारे पास n, इसका वैल्यू आपने 5 दिया, कंपाउंड की फार्मूला क्या बनेगी, ये बनेगी C5, जहां पे n वहां पे 5 डालना है, फिर यहां पे लिखेंगे H, फिर लिखेंगे 2, फिर इंटो n का वैल्यू आपने 5 लिखा, फिर यहां पे प्लस करेंगे 2, तो फार्मूला आएगी कंपाउंड की, वो आएगी C5, 2 × 5 हो गए 10, प्लस 2 हो गए 12, C5H12, ये आपके पास कंपाउंड आ गया, उस कंपाउंड की फार्मूला C5H12A। अब इस कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन कितने, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन भी 5 ही आने चाहिए, 4 नहीं आने चाहिए, 6 नहीं आने चाहिए, इस फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें हाइड्रोजन 12 है, तो 12 के 12 हाइड्रोजन आपने शो करने हैं, मगर ऐसे शो करने हैं, ऐसे आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो देट हर एक कार्बन एटम की, हर एक हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी वो क्या हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। चलिए यहां पे 5 कार्बन पहले ड्रा करते हैं, ये आपके पास कार्बन 1, ये आपके पास दूसरा कार्बन, ये आपके पास तीसरा कार्बन, ये आपके पास चौथा कार्बन, और ये आपके पास पांचवा कार्बन, ये आपने 5 कार्बन एटम्स यहां पे लिए। अब हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी, पहले वो वैलेंसीज को दिखाएंगे, यहां पे कार्बन को इस साइड से कार्बन है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड, जब हम सैचुरेटेड की बात करेंगे इसका मतलब इनके बीच में खाली सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहां पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे। अब 4 में से एक यहां से दिखाया, तो यहां से एक और होगा, यहां से एक और होगा, यहां से एक और होगा, ये हो गए इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आपने यहां पर दिखाए, दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो कार्बन है, दूसरा कार्बन, इस कार्बन, ये कार्बन इस साइड से भी बॉन्ड बना रहा है, इस साइड से भी बॉन्ड बना रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक इस साइड से रखेंगे, एक इस साइड से रखेंगे। क्लियर हो रहा है ना। अब इसमें दो बचे, तो एक यहां से दिखाएंगे और एक यहां से दिखाएंगे। अब ये वाला नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन के इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा, नीचे एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद इस कार्बन पे भी ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट जो कार्बन है, इसके इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन, इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। ये आपने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जो किस पे प्रेजेंट है, एवरी कार्बन एटम पे।
अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर होना है विद द एटम्स ऑफ विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम. अब यहां पे हाइड्रोजन कितने आपके पास, यू हैव 12 हाइड्रोजन एटम्स. तो यहां पे हम एक हाइड्रोजन पहले डालेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन डालेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन एटम यहां पे डालेंगे, क्योंकि यहां पे जो इस कार्बन पे चार इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा. अब कितने बचे, तीन इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ. यहां पे मैं इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे इस क्रॉस से दिखाऊंगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाऊंगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाऊंगा. सिमिलरली ये जो आपका कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, दो ही होंगे, क्योंकि चार वैलेंसीज में एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है. अब कितने बचे, अब बचे दो, तो दो वैलेंसीज के साथ दो हाइड्रोजन, एक यहां से और एक यहां से. सिमिलरली इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन, एक यहां से एक यहां से. ऐसे ही इस कार्बन पे भी एक ऊपर एक नीचे यहां पे ऐसे. अब जो लास्ट कार्बन है इस पे तीन हाइड्रोजन, क्योंकि इसने चार में से एक ही इसको शेयर करना है कार्बन के साथ. अब बचे तीन, तीन के साथ तीन हाइड्रोजन. तो यहां पे H वो ऐसे दिखाएंगे, यहां पे H वो यहां से दिखाएंगे और यहां से H वो यहां से दिखाएंगे. अब पहले हर एक हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी को देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. पहले काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो आपके कार्बन पांच आ गए. अब हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो आपके हाइड्रोजन भी यहां पे कितने आ गए, वो 12 आ गए. सही स्ट्रक्चर सही है. अब शेयरिंग दिखाएंगे. पहले हाइड्रोजन एटम्स का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. यहां पे इसके साथ ये शेयरिंग होगी, यहां पे इसके साथ शेयरिंग होगी, यहां पे इसके साथ शेयरिंग होगी, यहां पे इसके साथ शेयरिंग होगी. सिमिलरली ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा. और यहां पे हम देखेंगे ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है, यहां पे ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है और यहां पे हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है. तो यहां पे जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे आपके 12 हाइड्रोजन एटम्स, 12 के 12 हाइड्रोजन एटम्स यहां पे स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो रही, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. अब बचे हमारे कौन, कार्बन एटम्स. चले इन कार्बन एटम्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे. ये कार्बन इसमें लास्ट शेल में 1 2 3 4 और तीन चार, एक तो ये इसके साथ शेयर करेगा, हो गए पांच. तीन ये इन हाइड्रोजन के लेंगे, ऐसे ऐसे हम दिखाएंगे, ये हो गई इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई. अब इस कार्बन का देखेंगे, इसके लास्ट शेल में चार, 1 2 3 4, यहां से एक, यहां से एक, चार दो हो गए, छह और दो ये हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आप चेक कर सकते हो. सिमिलरली ये जो आपका कार्बन है, ये आपने इन चार इलेक्ट्रॉन्स को, एक तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा. अब इसके बाद ये कार्बन इन चार इलेक्ट्रॉन्स को चार और इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा, दो कार्बन से ऐसे और दो हाइड्रोजन से ऐसे इसके साथ शेयर हो रहे हैं. और लास्ट का जो कार्बन है, लास्ट वाले कार्बन के लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स, तीन हाइड्रोजन के और ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा. अब अगर यहां पे दिखाएंगे जल्दी, यहां पे हम कार्बन ऊपर कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस साइड से कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नीचे कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, फिर कार्बन ऊपर सिंगल बॉन्ड, नीचे सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे सी ऊपर, आप देखिए ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, यहां पे फिर से सिंगल बॉन्ड, सी ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, फिर यहां पे लास्ट में सी ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन. दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, जहां पे हम कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बीच का बॉन्ड भी दिखाते हैं. दिस फार्मूला इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फार्मूला. अब इसको थोड़ा कंडेंस करेंगे, छोटा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, शाबाश. इसको थोड़ा और कंडेंस करेंगे, इसको थोड़ा और कंडेंस करेंगे. ये कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस कार्बन कंटेन्स 3 हाइड्रोजन, तो हम यहां पे लिखेंगे पहला कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, वो हम ऐसे दिखाएंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो यहां पे दिखाएंगे ऐसे CH2, फिर ये बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे, फिर ये कार्बन इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे CH2, फिर ये कार्बन इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाला कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है.
दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज कंडेंसड फॉर्मूला, इसको हम कंडेंसड फॉर्मूला कह सकते या कहते हैं। इसको आप एक और रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स ओनली। जब हम बॉन्ड से आप वहां पे एटम नहीं दिखाते हो, खाली बॉन्ड्स दिखाते हो, बॉन्ड से आप किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हो, उस नोटेशन को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। इसमें कार्बन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाते हैं। ये आपके पास कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये आपका कार्बन नंबर 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पहाड़ जैसा, ये पहाड़ नहीं है बल्कि ये एक कंपाउंड, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंपाउंड के अंदर ये टर्मिनल एंड्स भी कार्बन और ये कॉर्नर्स भी कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम एटम्स नहीं दिखाते हैं, कोई भी एटम नहीं दिखाते हैं, सिर्फ हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड्स। द नोटेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन नोटेशन। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब जल्दी जल्दी इसका नाम बताइए। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, जब 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसका वर्ड रूट हम क्या देते हैं, उसका वर्ड रूट हम लिखते हैं पेंट। फिर इसमें आप देखना ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे हम क्या नाम लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एज पेंटेन। तो ये हो गया आपका एक और कंपाउंड। एक कंपाउंड को आप 3 स्ट्रक्चर से दिखा सकते हो, आप स्ट्रक्चरल फार्मूला से दिखा सकते हो, आप कंडेंसड फार्मूला से दिखा सकते हो, आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखा सकते हो। नॉमेनक्लेचर अलग टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अलग पढ़ना है, उसी में आपको ये सारा समझ आएगा कैसे एक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। आपने एन का वैल्यू 1 दिया, आपने एन का वैल्यू 2 दिया, आप एन का वैल्यू 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 5 का मैंने दिखाया। अप टू 10 तक आप प्रैक्टिस कीजिए, शेयरिंग दिखाइएगा, तो आपको जो जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इस पर आपका होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अब अगर इसी सेशन में इसको हम पढ़ाएंगे अल्कीन्स को भी और अल्काइन्स को भी, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी फिर उसमें बोर हो जाते हो। आज का सेशन यही पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उस सेशन में आपको अल्कीन्स और अल्काइन्स के बारे में पढ़ाएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।